हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज हम शुरू कर रहे हैं अगस्त के करंट अफेयर्स का लेक्चर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, हमारा लेक्चर 8 है। तो पहला करंट अफेयर्स है इंडिया आसियान यूथ समिट। एक 5-day इंडिया आसियान यूथ समिट टू कमोडेट 25th एनिवर्सरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप बिगन इन भोपाल। तो क्या हुआ, जो 5 दिन की एक यूथ समिट हुई है जो इंडिया आसियान के रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हुए उसको मनाने के लिए भोपाल में इंडिया आसियान की यूथ समिट शुरू हुई। तो द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन फाउंडेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इवेंट किसके द्वारा मनाई जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन फाउंडेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसकी, MP गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी थीम क्या है, थीम ऑफ दिस ईयर शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी। तो इसकी थीम है शेयर्ड वैल्यूज एंड कॉमन डेस्टिनी। अब हम देख लेते हैं आसियान के बारे में। तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मोर कॉमनली नोन एज आसियान, इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एम्ड प्राइमरली एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर। तो जो आसियान है ना, इसको आसियान एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एम क्या है, प्रमुख तौर पर प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना इसके मेंबर्स के बीच में। तो ये आसियान की कंट्री हैं। तो आसियान की कंट्रीज 10 मेंबर्स हैं आसियान के, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या। तो ये बिल्कुल साउथ ईस्ट एशियन में आसियान की कंट्री हुई हैं, जो फिलीपींस है, जो लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, जो 10 कंट्री हैं जो कि आसियान के मेंबर हैं। अब इनका एम्स क्या है, तो प्रमोट करना इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को प्रमोट करना एंड फैसिलिट बनाना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। इसके जो भी 10 मेंबर हैं आपस में, इनके बीच में जो इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, उसको सुनिश्चित करना, सरल बनाना और इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अगस्त 8, 1967। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया, 8 अगस्त 1967 को, आफ्टर आसियान डिक्लेरेशन। एक आसियान डिक्लेरेशन हुई थी जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ही आसियान का आसियान की स्थापना की गई। तो अब अगला करंट अफेयर्स है कि फर्स्ट ट्राई सर्विस इंदिरा एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाय इंडिया एंड रशिया। तो जो है ना, इंडिया और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको इंदिरा बोलते हैं, इंडिया एंड रशिया। लेकिन इस बार पहली बार ट्राई सर्विस हो रही है, मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों इसमें भाग लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। तो इंडिया एंड रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम आर गोइंग टू कंडक्ट इंदिरा ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग देयर आर्मीज, नेवीज एंड एयरफोर्स इन अक्टूबर 2017 टू फर्दर रैंप अप मिलिट्री टाइज। तो जो मिलिट्री टाइज इंडिया और रशिया के बीच में, उसको रैंप अप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पहली बार तीनों तरह की, उनकी तीनों तरह की फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्सेज पहली बार संगे आ रही हैं, इंद्र एक्सरसाइज होगी इंडिया रशिया के बीच में। तो क्या इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन अ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। तो इंडिया के लिए पहली बार होगा जब वो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज में भाग लेगी किसी फॉरेन कंट्री के साथ, जो कि वो इस प्रकार के लार्ज स्केल पर, जिसमें नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स तीनों शामिल हों। अब हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो रशिया के बारे में देखते हैं। तो रशिया हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया। तो रशिया है ना, वो इंडिया का एक लॉन्ग डिफेंस, अच्छा मतलब डिफेंस पार्टनर के रूप में है और काफ़ी पुराने रिलेशन है इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस सेक्टर में। एंड बोथ द कंट्रीज आर नाउ आइंग टू फर्दर डीपन द टाइज। तो अब दोनों कंट्री अपनी टाइज को और डीपन करने में लगे हुए हैं। तो अगला करंट अफेयर, US साइंटिस्ट डेवलप अ प्लांट बेस्ड एंड सेफर वैक्सीन फॉर जीका वायरस। तो साइंटिस्ट डेवलप अ प्लांट बेस्ड एंड सेफर
वैक्सीन फॉर जीका वायरस। तो प्लांट तो साइंटिस्ट ने जीका वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप की है जो प्लांट बेस्ड है। तो क्या साइंटिस्ट फ्रॉम US हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड जीका वैक्सीन दैट मे बी मोर इफेक्टिव सेफर एंड चीपर देन अदर वैक्सीन अगेंस्ट द मॉस्किटो बॉर्न जीका वायरस। तो जीका वायरस के लिए साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन डेवलप की है जो कि प्लांट पर बेस्ड है, जो कि है ना ज़्यादा इफेक्टिव है, सुरक्षित है एंड बहुत ज़्यादा सस्ती है, जो कि दूसरी वैक्सीन है जो कि मॉस्किटो बॉर्न जीका वायरस के लिए बनाई गई हैं। एक्चुअली जो जीका वायरस है ना वो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है। एंड अब जब बता रहे हैं प्लांट वेस्ट वो किस प्लांट पर है, तो जो टबैको का प्लांट होता है ना उसके प्रोटीन से निकाली गई है ये जीका वायरस की वैक्सीन। तो कि द प्लांट वेस्ट जीका वायरस वैक्सीन वर्क अगेंस्ट D333 अ पार्ट ऑफ जीका वायरल प्रोटीन दैट प्लेज अ की रोल फॉर द वायरस टू इन्फेक्ट पीपल। तो जीका वायरस अगर है ना इन्फेक्ट करेगा पीपल को तो उसका D333 एक पार्ट है जीका वायरल प्रोटीन का, ये ही है ना इन्फेक्ट करता है पीपल को जीका वायरस के रूप में। तो जीका वायरस वैक्सीन किसने निकाली गई है, प्लांट वेस्ट तो टोबैको प्लांट से निकाली गई है। तो अब हम जीका वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज़ अ वेक्टर बोन डिजीज़, एक प्रकार की वेक्टर बोन डिजीज़ है। इट इज़ अ ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। तो इसको है ना एक मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी, उसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब उसके द्वारा लोगों को इन्फेक्ट किया जाता है, वो काट उसके काटने से जीका वायरस फैलता है। द वायरस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर जीका फॉरेस्ट इन युगांडा। तो जीका वायरस का नाम क्या पड़ा, तो है ना 1947 में पहली बार ये जीका फॉरेस्ट में आइसोलेट किया गया था या वहाँ से फैला था, तो इसकी शुरुआत हुई थी वहाँ से। तो इसका नाम जीका फॉरेस्ट युगांडा में, वहाँ से इसका नाम इस वायरस का नाम जीका वायरस कर दिया गया। लॉन्च ऑफ GJM संवाद। तो द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GJM एंड इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैव साइंड MOU टू इस्टेब्लिश GJM संवाद एक और GJM इंडस्ट्री फोरम। तो है ना जो गवर्नमेंट ई मार्केट वो है ना पोर्टल, एक मार्केट पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट और एक इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है किसके लिए, तो स्थापित करेंगे जी GJM संवाद। GJM संवाद क्या GJM इंडस्ट्री फोरम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इस्टेब्लिश अ पार्टिसिपेटिव एंड कोलोबरेटिव अप्रोच विद द इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंडियन इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक कोलोबरेटिव एंड पार्टिसिपेट को अप्रोच को इस्टेब्लिश करना इस GJM संवाद का ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय गवर्नमेंट एजेंसी एंड डिपार्टमेंट्स। तो जो गवर्नमेंट एजेंसी एंड डिपार्टमेंट के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विस का जो परचेज होता है ना उसके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना, जो इनके ऑब्जेक्टिव है। तो जो MOU साइन हुआ ना इन दोनों के बीच में वो फैसिलिट करेगा GJM को, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एंड CII को, मीन्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को, टू वर्क करने के लिए एक दूसरे के साथ, क्रिएट करने में GJM को रिलेटेड अक्रॉस GJM से संबंधित अवेयरनेस को कंट्री में क्रिएट करने के लिए एक दूसरे की मदद करने को ये आसान बनाएगा ये GJM संवाद। अब हम देख लेते हैं GJM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है टू फैसिलिटेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय वेरियस मिनिस्ट्री एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो GJM क्या एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जो कि आसान बनाता है, सुनिश्चित करता है जो प्रोक्योरमेंट करते हैं ना गुड्स एंड सर्विस के जो प्रोक्योरमेंट है जो वेरियस मिनिस्ट्री एजेंसी करती है उसके प्रोक्योरमेंट को ये आसान बनाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। GJM इज अ कम्प्लीटली पेपरलेस कैशलेस एंड सिस्टम ड्रिवन ई मार्केट प्लेस दैट इनेबल प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस। तो ये कम्प्लीटली पेपरलेस कैशलेस एंड सिस्टम ड्रिवन ई मार्केट प्लेस है जो कि यूज़ ऑफ जो गुड्स एंड सर्विस की कॉमन यूज़ होता है ना उसके
प्रक्यूरमेंट को योग्य करता है। इट प्रोवाइड्स द टूल्स ऑफ ईबिडिंग, ई रिवर्स ई ऑक्शन एंड डिमांड एग्रीगेशन टू फैसिलिट द गवर्नमेंट प्रक्यूरमेंट। वो तो है ना, गवर्नमेंट के प्रक्यूरमेंट को फैसिलिट करने के लिए जे सारे टूल्स जैसे कि ईबिडिंग, रिवर्स ई ऑक्शन एंड डिमांड एग्रीगेशन ये सब प्रोवाइड कराता है। जिसका तो क्या फिर जी क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ही। अगला करंट अफेयर्स, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। तो आज इसके न्यूज़ के बारे में इस अथॉरिटी की चर्चा की गई थी, तो आज हम इस अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं जी क्या है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी। तो ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरी एजेंसी है, सेटअप एज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो इसको है ना गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, इसको ना कोई एक्ट बनाया गया। तो जब एक्ट नहीं बनाया गया तो ये स्टेचुअरी बॉडी नहीं है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कैसी है, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना कि स्टेचुअरी बॉडी नहीं है। इसका कार्य क्या है, जो कंट्रोल करती है, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं ना उनके प्राइसेस को कंट्रोल करने का काम करती है इंडिया में। और ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ये किसके अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत ये अथॉरिटी आती है। अब अगला, इंडिया टू होस्ट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ तापी गैस पाइपलाइन। तो है ना इंडिया है ना होस्ट करने जा रहा है अगली जो कमेटी की जो मीटिंग होगी ना, स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग होगी जो तापी को लेकर, वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। और ये मीटिंग कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में। तो हम देख लेते हैं तापी पाइपलाइन के बारे में। तो तापी की फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। जी है जो कैस्पियन सी है, जो तुर्कमेनिस्तान, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और ये इंडिया। तो क्या है कि है ना इसको हम ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या एक अंडर कंस्ट्रक्शन नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जो अभी कंस्ट्रक्शन में है जो पाइपलाइन। ये क्या करेगी, जो ट्रांसपोर्ट कैस्पियन सी से जो नेचुरल गैस है वो ट्रांसपोर्ट करेगी वहाँ से, पहले तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए ये इंडिया में जो पाइपलाइन आएगी जहाँ से। तो नेचुरल गैस कहाँ से ली जाएगी, ये कैस्पियन सी से आएगी और चार देशों में आएगी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया। तो दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए, ये हमारा करंट अफेयर्स का 8वां लेक्चर था। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।